ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। यार मोहल्ले में कचरा कितना होता जा रहा है, ये बात तूने बच्चों को देखकर क्यों बोली? अरे बाबा इसने ये बात इसलिए देखकर बोली, इसे पता है सिर्फ यहाँ इस मोहल्ले में एक ही बच्चू है जो इस जैसे कचरे को उठा के मोहल्ले से बाहर फेंक सकता है। यार मैं उस कचरे की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। एक टाइम था इस मोहल्ले में कितना सुकून होता था, अब जहाँ देखो सो शोर शराबा हो रहा है। हाँ बाबा ये बात तो बिल्कुल ठीक। देखा ये कह तो ठीक रहा है, हर वक्त शोर शराबा, समझ नहीं आता कैसे समझाएं। अरे बाबा समझाना क्या है, पकड़ के दो हाथ लगाओ सब सीधे हो जाएंगे। यार बच्चू तू भी ना हर किसी को भैंसों की तरह हांकता है। ऐसे तो ना बोल, बच्चू तो भैंसों से मोहब्बत करता है, उनसे तो प्यार से पेश आता होगा। आ बाबा मैं तमाम जानवरों से ना बाबा प्यार से ही पेश आता, तंग करके आजकल के बच्चे बड़े जबान दराज हो गए। किस किस को सुधारेगा बच्चू तू? अभी रुको बाबा, तुम सीटी बजाएगा, इधर लाओ ये सीटी मुझे दो, चलो भागो यहां से। मैंने क्या है कि सीटी थी जो मुझसे छीन ली। कैसा बदतमीज बच्चा है बाबा, ऐसे सीधा करते हैं बाबा ऐसे। किस किस को सुधारेगा तू? अरे बाबा अभी मोहल्ले को सुधार ले, फिर बाकी बाद में देखेंगे। हाँ धोती है बच्चू भाई, बच्चों से भी लड़ाई शुरू कर दी। अरे बाबा मोहल्ले की बेहतरी के लिए बात कर रहा था, बड़ी जरूरी बात थी, शोर मचा रहा, सिटी बजा रहा, पी 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 पी। चले खैर छोड़े, जो होना था वो तो हो गया, जरा सिटी तो दिखाए, बड़े दिनों के बजा ही नहीं। दिखाएगा ये लो बाबा। अरे 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 जानी बाबा नहीं बजाओ बाबा, मुझे इस आवाज से नफरत है। है अच्छा जी भैया, चलो बाबा जाओ यहां से। अरे बाबा इस सिटी में ऐसा क्या है जो सब बजा के मजा लेते हैं? अरे बच्चू भाई ये क्या हो, अंदर गई क्या? हेलो बच्चू भाई, बच्चू भाई, बच्चू भाई, बच्चू भाई, क्यों लगता गले में फंस गई बच्चू भाई? अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे बच्चू भाई कैसी आवाजें आ रही है अंदर से गले में? एक मिनट मैं जरा देखता हूँ। ये क्या हो रहा है? एक मिनट पीछे से एक ए ये तो मजा आ रहा है, ये तो नेकी का दौर ही नहीं है, एक तो भलाई कर रहे हो ऊपर से मुझे धक्के दे रहे हो। सीटी की आवाज कहां से आ रही है? यकीनन ज़रीना होगी, जाहिल औरत, काम नहीं करने देगी ये। हेलो
बकवास है? कहाँ जरीना? सांप क्यों सूंघ गया है? बोल क्यों नहीं रहे कुछ? कहाँ है जरीना? जरीना, जरीना। अरे क्या है बला? कहाँ है सिटी? सिटी कौन सी सिटी? जो तुम बजा रही होती देश है। अतः तुम इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसके दिमाग में सिटियां बज रही हैं। बल्कि रहने दो, ऐसे ही मर जाए। तुम्हारे मुंह लगने से बेहतर है बंदा अपना मुंह ही कटवा ले। मैं बता रही हूँ, अगर अब तुमने सीटी बजाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हटो। अरे देख रहे हो दा, ये तुम्हारी बेगम मेरे पे कैसे इल्जाम लगा रही है। मैं भी बोला किससे बोल रही हूँ, जिसकी जबान खुद अपनी बीवी के मलकियत हो चुकी है। अरे क्या हो गया है? चाहे खुद तो कोई काम करना नहीं होता, मुझे भी नहीं काम करने देते। इतना काम पड़े ऑफिस का, फोन करूं पहले। हेलो। नहीं नहीं, आप पागल हो गई ये औरत। नहीं नहीं, आपसे आपसे नहीं कह रही कुछ। मैं आपको ना दोबारा कॉल करती हूँ। जी जी। अरे अरे क्या है बला, ये सीटियां क्यों बजा रहे हो? ला घोड़ाड़े, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम प्रेशर कुकर की तरह क्यों बज रहे हो। जरीना जरीना, मना किया था ना, सीटी बजा रही हो तुम। अरे मैं सीटी नहीं बजा रही है, तुम्हारा गुलाम सीटी बजा रहा है। अब बोला बला चुप क्यों? क्या बदतमीजी है बच्चों, कहां छुपाई सीटी, निकाले उसे भाई। बच्चों मेरा सर फट जाएगा। देखा, मैंने ये सीटियां बजा रहे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो बहुत मसले की बात हो जाएगी। इस सीटियों के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। कितनी मतलबी औरत है, इसको मेरे अदा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बस अपनी जिंदगी की पड़ी हुई है। मेरा अदा अगर ठीक ना हुआ तो भला मेरे रिश्ते की बात क्या सीटियां बजा बजा के करेगा? ना बाबा ना, मेरे अदा को ठीक करो। बड़े अफसोस की बात है, आप सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है, मेरा कोई सोच ही नहीं रहा। वैसे मैं तनख्वाह मांगता था, आए बाय करते थे, अब मांगूंगा तो पीपी भी साथ करेंगे। जानी कुछ सोचो क्या करना है, वरना अभी तो बच्चों के मुंह से सीटी की आवाज आ रही ना, बाद हमारे दिमाग में जाना शुरू हो जाएगी। तोबा तोबा, अदा ये तो है ही ऐसी, इसकी बात को तुम छोड़ो। तुम अल्लाह करे जल्दी से ठीक हो जाना। देखो ना अदा, कभी भी कहीं से भी कोई जरूरी रिश्ता पड़ गया तो भला क्या तुम सीटियां बजा बजा के बात करोगे? पीपी का मसला नहीं है, कान में हैंड फ्री लगा के भी काम चला सकते हैं। मैं आती हूँ, अल्लाह खैर करे, तुम ठीक हो जाओ, मैं दुआ करती हूँ। बच्चों भाई ठीक हो जाओ यार, क्या हो गया? कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। घटिया इंसान लड़कियों को देखकर सीटी बजाता है। देखो हम लड़कियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें देखकर हम डर जाएंगे, समझे? हम लड़कियां तो क्या हो, हमें अपनी हिफाजत करना आती है, समझे? क्या गिरे हुए इंसान हमें पैसे दिखाता है? सीटी से काम नहीं बना तो पैसे दिखा रहा है, लगता है ऐसे नहीं मारेगा। मैं बताती हूँ, ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए। रुको मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। हाँ हाँ बुलाओ पुलिस। भाग कर रहे हो डरपोक? भाग रहा है, देखो इसको। हाँ
बच्चों आपने सीटी नहीं खाई, आपने कसम खा रखी हम सबको परेशान करने की। बच्चों भाई सीटियां आप बजाते हैं, प्रेशर कुकर पे मैं समझता हूँ खाना रेडी हो गया, दो दफा कच्चा खाना उतारा मैंने चूल्हे से। इसका क्या करना है? अरे अदा कह रहा है कि नंबर मिला के दो, इसने उसको सीटियां सुनानी है, सीटियां है ना। अरे भाई दीदी, अरे ये कह रहे हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर का नंबर है ये, मैं करता हूँ। हेलो जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? हाँ सर, वो जरा इधर तशरीफ ले आए आप, हाँ जरूरत है आपकी। जी 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 बिल्कुल, हाँ हाँ एड्रेस लिखे आप, हाँ लिखे लिखे लिखे, हाँ लिखे जी, दरबारे बच्चू, हाँ सीमा नगर, नज़्द जरीना नाला, बिल्कुल ठीक, हाँ जानी चौरंगी से सीधे हाथ पे, हाँ कटा मिटाओ, पहुंचे मैं वेट कर रहा हूँ। ओके अल्लाह। जानी ये तुमने एड में मेरे नाम से जोड़ के क्या बोला? हाँ। नाले पे देख, हाँ क्या हो गया? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये आखिर बेटी है किसकी? बेटी? अरे ये बेटी भला कहाँ से आ गई? अरे भाई उसी बेटी का जिक्र कर रहा हूँ जो नाले में गिर गई है, है? अरे भाई बेटी नहीं, बच्चू भाई की हलक में सीटी, सीटी फंस गई है, सीटी। भाई कमाल ही हो गया। असल में बात ये है कि इससे मुझे किस्सा याद आ गया, आज से कोई 3-4-5 महीने पहले की बात है। तो बात दरअसल ये है कि एक मरीज था जिसको मैंने स्ट्रेचर में बिछाया हुआ था। बिछाते क्या मतलब? अरे मैंने मतलब लिटाया हुआ था। हाँ अच्छा, उसको मैंने जैसे ही चेक किया मैं भूल गया आखिर इसका ऑपरेशन करना कैसे। फिर मुझे याद आया कि भाई हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मैंने उनको फोन किया, उनसे मैंने कहा कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऑपरेशन करना कैसे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई काम करो तुम जो है ना वो मोबाइल फोन के साथ वो लगा लो, क्या होता है वो, हाँ वो जो होता है हैंड फ्री, वो लगा लो और जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे तुम ऑपरेशन करते रहना। तो भाई मैं ऑपरेशन करे जा रहा था, अचानक ये हुआ कि मरीज की एक आंख यूं खुल गई, वो मुझे देखे मोबाइल को देखे, मुझे देखे मोबाइल को देखे, फिर एकदम उसने जोरदार मेरे मुंह पे चमाट पाड़ी। तो क्या आपने मरीज को बेहोश नहीं किया था? भाई बात दरअसल ये है कि पहले हम मरीज की मर्जी मालूम कर लेते हैं कि वो बेहोश होना चाहता है कि नहीं। डॉक्टर साहब ये किस्सा आप हमें क्यों सुना रहे हैं? भाई इसलिए सुना रहा हूँ ना ये सारा किस्सा कि कहीं आप लोग मुझे पैदाइशी बहरा ना समझे, क्यों भाई? तो आपका मतलब है कि आप उस थप्पड़ की वजह से ऊंचा सुनते? अरे नहीं भाई, वो असल में बात दरअसल ये है कि उसने थप्पड़ मेरे वही मारा जहाँ मेरे कान में हैंड फ्री लगा हुआ था, तब से मैं उस कान से ऊंचा सुनता हूँ। कैसा? तो वो हेडफोन आपने कैसे निकाला? कहानी किसने कहा निकलवाया? भाई वही है, वही पड़ा रह गया। भाई बात दरअसल ये है कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ कि मुझे किसी और डॉक्टर पे भरोसा होता ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, वही पड़ा रहने दो। देखा देखा, आज तक उस चमाट की सीटी मेरे कानों में गूंजती है। भाई कैसी बात? चढ़िया मानू ये अदा के गले में जो सीटी फंसी उससे की आवाज है। भाई मोहतरमा आप मजाक बहुत अच्छा करती हैं। अरे भाई बताओ इनको कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, चिड़ीमार नहीं हूँ। चिड़िया से मुझे याद आया कि ओ भाई तू अपने किस्से बंद कर, बच्चू भाई को देख, अभी तो एक कान से कम सुनाई दे रहे ना, मैंने अगर मारा ना थप्पड़ तो दूसरा कान भी बंद हो जाएगा। भाई इस पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस कान पे थप्पड़ पड़ा था उससे तो मैं ऊंचा सुनता हूँ, दूसरे कान से तो मुझे सुनाई नहीं देता। भाई इस पे मुझे किस्सा याद आया। अरे कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा, कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बच्चू अरे आजा बच्चू, अरे बच्चू आजा, अरे इधर आओ, ले आओ जानी। बच्चू मान जाए ना प्लीज, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हाँ दो माने जाए ना, डॉक्टर पागल है, जरूरी तो नहीं कि पेशे से भी पागल हो। हैं जरीना, पागल आदमी डॉक्टर नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब डॉक्टर पागल हो सकता तो पागल डॉक्टर क्यों नहीं हो सकता? अरे कौन सा डॉक्टर पागल है? अरे बाबा जो अंदर बैठा है
तुम दोनों ना वैसे मेड फॉर ईच अदर हो। मुझे सिर्फ नीच और इधर समझ आओ ना, जवाब मैं भी दे सकती हूँ। तुम दोनों अपनी बकवास बंद रखो। बच्चू प्लीज मान जाए, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। प्लीज प्लीज बच्चू, माय कार बॉय, प्लीज प्लीज। अरे तो मान गया, चलो 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 हल मुझे अड़ी अड़ी हम बच्चे। चलो बच्चू चलो 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 बच्चू, नहीं चलो आ जाओ बच्चू, बैठ 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 बैठ। घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। तो भाई आप लोग फिर तैयार हैं? इनका ऑपरेशन होगा, आज ही होगा, अभी होगा है? डॉक्टर साहब, ऑपरेशन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हाँ है ना, भाई यहाँ से सीधा जाइए, उल्टे हाथ पे मुड़िएगा, बेकरी आ जाएगी, क्या कह रही? मैं उस रास्ते की बात नहीं कर रही, मेरा मतलब है ऑपरेशन के अलावा कोई और हल, कोई और रास्ता। बस्ता उफो। भाई देखो इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, चीजें भूल जाता हूँ मैं। जान तुम मेरा बस्ता तो पकड़ लो, शाबाश, जल्दी से शाबाश। जाने बस्ता, अच्छा जाओ जाओ जाओ। इससे आपको आप फिकर ना करो, तकलीफ नहीं होगी, छोटा सा होगा, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ऑपरेशन होगा, समझ आ रही है बात? तुमको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन वाला मसला हल हो गया, मैंने बना लिया, हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये ले बस्ता, और मेरा मतलब है बॉक्स। हाँ ये अच्छी बात की, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये लो आगे मेरा बस्ता, आगे देखिए। लो भाई, इस इंजेक्शन के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मैं इसको ऐसे सूतूंगा ना, सीटी गले से बाहर आ जाएगी। शाबाश मेजा, अब हो जाओ तुम रेडी, ये लो। हाँ फंस गया भाई, उफ दोबारा दोबारा। कमाल आदमी, इतने से दूर रह गई थी सीटी, भाई साहब ने धक्का दे दिया, अब मामला बिगड़ गया। मेरा ख्याल है कि अब इनकी साइड भी बदलनी पड़ेगी। मेरा मतलब है, चलो ठीक है, अब हमें कोई और तरीका सोचता हूँ, रुक जा ताकि मैं कुछ और कोशिश करूँ। उल्टे हो जाए, उल्टे हो जाए, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चलो ऐसे करो, एक मिनट ऐसे करो। हाँ ये झोंको, बड़े बड़े सांस लेना, मुंह खुला रखना, ठीक है? हाँ कुछ हो रहा है? अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? यार मुझे काम करने दे, मैं डॉक्टर हूँ, बहुत संजीदा डॉक्टर हूँ, सबर करें आप। ये क्या निकाला? अरे भाई मोहतरमा, बात दरअसल ये है कि पहले हम मरीज का गला उतार कर साइड में रखेंगे, उसके बाद हलक में मैं हाथ डालकर सीटी हूँ करके बाहर निकाल लूंगा, कैसा है भाई, कैसा? अरे गला नहीं, सीटी निकालनी, सीटी। अरे भाई तो फिर मोहतरमा निकलेगा कैसे, सीटी कैसे निकलेगी, सोचने वाली बात है ना। बोले बोले कहाँ से आता है पागल डॉक्टर? बक्सा भी यही भूल। शुक्र है बाल बाल बच गए, वरना वो तो मेरे बच्चों का गला ही निकाल देता। अरे पापा बहुत जुल्म हो जाता, अदा की गर्दन नहीं होती तो भला वो गले कैसे लगता। फजूल बातें छोड़े, कोई टोटका सोचे जिससे बच्चू भाई की आवाज ठीक हो जाए। हाँ जानी, मुझे याद आया, मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि जब कोई चीज गले में फंस जाए ना तो तेल पिला देना चाहिए, उससे वो चीज फिसल के निकल जाती है। मुझे भी याद आ गया बचपन का एक किस्सा, हुआ सब में ये कि बचपन में ना वो सिक्का मेरे हलक में फंस गया, बस फिर अम्मी जान ने पता क्या किया, मुझे ना इतने पीठ पे मुक्के ऐसे मुक्के मारे, सिक्का था बाहर। बच्चू बच्चू माय गॉड बॉय, प्लीज बच्चू प्लीज। हाँ ना प्लीज, पीले पीले बच्चू जरूरी है। हाँ बच्चू भाई पिए पिए, बस ये आखिरी टोटका है, इसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अदा तुम मुड़ जाओ और पीछे मुड़ के नहीं देखना, वरना तुमको बहुत तकलीफ होगी। एक दो तीन, दो बाबा मार दिया जालिम। अरे बाबा मुझे अब कोई टोटका नहीं आजमाना है। अरे अरे
पापा, सीटी निकल गई पापा। आवाज आ गई, आवाज आ गई, आवाज आ गई। बच्चू भाई, सीटी कहाँ गई? सीटी कहाँ गई? अरे पापा पेट में गई। अरे सनी भाई, आप लगता है गेट खुला हुआ। कानून के लिए सब दरवाजे खुले होते हैं। बच्चू चलो थाने। ऐसा क्यों? मोहल्ले की लड़कियों ने कंप्लेन की है, ये मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता है, सीटियां बजाता है। बच्चू आप? अरे नहीं बाबा, आती मत, तुम जानती दो वो सिटी सिटी बाबा। शरीफ साहब मैं आपको बताता हूँ, सुबह को ना हलक में इनके सिटी बज गई थी, तो इसलिए कोशिश कर रहे थे बात करने की, इस चक्कर में तरह तरह की सीटियां और इस तरह की आवाजें निकल रही थी। गलतफहमी हुई होगी आपको। अच्छा, कानून अंधा जरूर होता है लेकिन पागल नहीं, ये तो फरफर बोल रहा है। अरे बाबा, तो सीटी भी तो अभी निकली है, वो भी बड़ी मुश्किलों से। कहाँ है सीटी, जरा हम भी तो देखें जो अभी निकली है। बाबा वो सीटी तो पेट में है। इसीलिए अब तू जेल जाएगा। तमीज है शरीफ साहब, इसने सिर्फ सीटी तो बजाई है, कुछ जुर्म थोड़ी किया है। ये लड़कियों को सीटी के बाद नोट भी दिखा रहा था। इतनी घटिया हरकत। बच्चू, अरे नहीं बाबा, मेरी बात तो सुनाओ। अब जो भी सुनाना है थाने चलकर सुनाना, खास करके सीटियां। चलो थाने। बच्चू क्या बात कर रहे हैं, ये कौन सा रमजान चल रहा है? तो बाबा ये शोर क्यों मचा रहा है इस टाइम पे? मुझे लगता है इसने ख्वाब में कोई भूत भूत देख लिया है। डॉक्टर साहब, अब मतलब सीमा मैडम, कोई भूत मैंने नहीं देखा। बाबा मैं जरा दम कर दूं इस पे, हैं बाबा कुछ पढ़ के। हटो, मुझे बेचारे मेरे दादा को क्या हो गया? आधा नर्स में फिदा हो गए थे, पूरे स्टाफ ने जो कूटा है ना, मजा आ गया। इनसे कहो पहले तय कर लें कि डॉक्टर है या हकीम। अब पहले हकीम था क्योंकि वाले साहब हकीम थे ना, फिर मजा नहीं आया तो डॉक्टर बन गया। अरे डॉक्टर हकीम साहब, ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा चलो बकवास मत करो, जाके पूछो टेस्ट में क्या है। इसी बात का तो डर है। वो क्या? बचपन से आज तक जितने मैंने टेस्ट दिए कभी पास नहीं हुआ, कहीं इस बार भी ऐसा ना हो। मैं तो झूठ बोल रहा था, मेरे साथ तो लिए हुए। काश तुम्हारा स्टार बदलने से तुम्हारी बीमारी भी बदल जाती। शायद अल्लाह को यही मंजूर था जानी। क्या बात है पापा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई। इम्प्रोवाइज ही नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा,